हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 दिसंबर 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें 3.39% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 56.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारे एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें जरूर जो वॉल्यूम एक तरह से देखने मिल रहा है। कैंडल एक मीडियम टू लार्ज साइज की बिना दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI हमारा 40-41 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंट का जरूर इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में हमें डाउनसाइड सबसे पहले 55.57 के आसपास देखने मिलेगा। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो डाउनसाइड मूव जो है वो 54.15 के आसपास देखने मिल सकती है। थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर जो कॉशियसली काम करें, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा सा जो है नेगेटिव जो है जा रहा है। स्टॉक जरूर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 में 50 में दोनों को क्रॉस करते नीचे आया, तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली जरूर जो काम करना चाहिए। बाकी क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव, मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा इंट्राडे में बाइंग साइड की। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर आप वहां पे बाइंग करें, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले। हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क्ड है, तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग सेन की जरूरत नहीं है। सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56.85 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 56.80 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 57.20 का। तो याद रखना है डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 56.55 का, उसके बाद क्या था 56 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 57.60 का, उसके बाद क्या था 58.10 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस में, यहाँ पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट का है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने मिल सकते हैं। 57.20 से लेकर 57.60 के रेंज में हमें क्लोजिंग की जरूर एक्सपेक्टेशन, लेकिन थोड़ी सी भी गैप डाउन ओपनिंग हो तो थोड़ा सा नीचे के स्टॉक जो है नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग जो है वो दे देगा। ओवरऑल हमारा कल के दिन जो है यहाँ पे जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसलिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हमें जरूर जो है कल के दिन देखने
मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।